व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वॉचिंग एम के वी टेक्निकल। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन एक नए वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सअप के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे व्हाट्सअप पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, अगर हमारे फ्रेंड्स हमें मैसेज करते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन नहीं शो करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कौन से सेटिंग आप कर सकते हैं ताकि आपके व्हाट्सअप पर लगातार नोटिफिकेशन आता रहे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन पर ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम बता दें कि हम में से बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो चैनल को तो सब्सक्राइब किए हुए हैं लेकिन बेल के नोटिफिकेशन को ऑल नहीं किए हुए हैं, जिससे उनको हमारी लगातार वीडियो जब भी अपलोड होती है तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो बहुत सारी अच्छी वीडियो को मिस कर जाते हैं। तो आप बेल के आइकन पर ज़रूर ऑल करके रखिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए, ज़्यादा ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर इस समय स्मार्टफोन पर यहाँ पर आपको चार व्हाट्सअप दिख रहे होंगे। हमारा जो फर्स्ट व्हाट्सअप है यो व्हाट्सअप, सेकंड व्हाट्सअप है जो फोर्थ व्हाट्सअप, और थर्ड व्हाट्सअप है जो एफएम व्हाट्सअप, और फोर्थ व्हाट्सअप है जो जीबी व्हाट्सअप है। अब हम फ्रेंड्स, आपको आपका कोई भी व्हाट्सअप हो, आपको बस वही सेटिंग्स करनी है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वही सेटिंग्स कर लीजिएगा, उसके बाद में आपके स्मार्टफोन पर भी लगातार नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए, आपको हम सबसे पहले बताते हैं आपको कौन सी सेटिंग्स करनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में जाना है, और वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका जो स्मार्टफोन है वहाँ पर सारी सेटिंग्स सही हैं या फिर नहीं है। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो आपको जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी ऐप लिस्ट, आपको उस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो अपने व्हाट्सअप पे चले जाना है। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर आपको व्हाट्सअप दिख रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एफएम व्हाट्सअप। मैं इस व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सारे परमिशन देने होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर परमिशंस पर मान लीजिए क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हम में ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो परमिशंस नहीं देते हैं, जिससे हमारा व्हाट्सअप जो होता है वो वर्क लगातार नहीं कर पाता है। तो आपको यहाँ पर सारे परमिशन आपको यहाँ पर दे देने हैं, कुछ इस प्रकार से अलाउ कर देने हैं। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे परमिशंस आपको अलाउ करके रखने हुए हैं। अगर आप अलाउ नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आप अलाउ कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मैनेजमेंट नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर यहाँ पर जाना है फ्रेंड्स, और आप यहाँ पर देख सकते हैं अलाउ नोटिफिकेशन, आपको इसको अलाउ नोटिफिकेशन कर देना है। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आप चलिए आपको मैं बैक लेकर के चलता हूँ। तो मैं बैक कर लेता हूँ इसको, और आपको मैं लेकर के चलता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ फ्रेंड्स, अब मान लीजिए हमारे पास एक ये वाला मेरा व्हाट्सएप है, और ये वाला जो व्हाट्सएप है ये आपके फ्रेंड का व्हाट्सएप है। यहाँ पर दो व्हाट्सएप आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा इस समय। तो इनमें से मैं कोई एक व्हाट्सएप लेता हूँ, और आपको मैं लगातार करके भी दिखाता हूँ कैसे क्या होगा। लेकिन फिर उससे पहले भी एक सेटिंग आपको करनी होगी। तो आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ऐसे व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अपने फ्रेंड के चैट पर जाना है। मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड है, मुझे इसके चैट पर जाना है, और आपको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मिल जाता है कस्टम नोटिफिकेशन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ पर जो आपका होगा यहाँ पर ये ऑफ होगा, तो आपको इसको यहाँ पर इस प्रकार से ऑन कर देना है। वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आपका जब भी कोई मैसेज करता है तो वाइब्रेट नहीं करता, तो आप यहाँ पर वाइब्रेट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर फ्रेंड्स करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर रिंग लगा देनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर जाना है, तो इसको यूज करना है नोटिफिकेशन रिंग। यहाँ पर आपको यहाँ पर परमिशन देना है, तो आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या फिर लगा सकते हैं जैसा आप चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। इसको करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको एक छोटी सी सेटिंग्स और करनी होगी। आपको बैक जाना है कुछ इस प्रकार से। अब बैक जाने के बाद फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर ये सेटिंग्स होने के बाद अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपको मैसेज करना है। चलिए मैं अपने दूसरे नंबर पर मैसेज करता हूँ, और देखता हूँ कि नोटिफिकेशन आता है या फिर नहीं आता है।
तो आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हाई लिखता हूँ, हाई लिखने के बाद फ्रेंड्स अब मैं देखता हूँ कि नोटिफिकेशन आया है या फिर नहीं आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दूसरे वाले नंबर पर नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको मैं एक बार फिर से यहाँ पर स्किप करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हाई लिखा था, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। अब चलिए मैं इस वाले व्हाट्सएप से और इस वाले व्हाट्सएप पे मैं करके दिखाता हूँ और नोटिफिकेशन शो करता है या फिर नहीं करता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर इसको ऑन कर लेता हूँ, इस वाले व्हाट्सएप को, और यहाँ पर दिव्यांश वाले व्हाट्सएप को मैं ऑन कर लिया हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर हाई लिखता हूँ। हाई लिखने के बाद मैं मैसेज सेंड करता हूँ और मैसेज अभी सेंड हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स देख रहे हैं हमारा जो नेटवर्क स्लो है जिसकी वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज सेंड हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस प्रकार से आप भी अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को सही कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, चाहे मैं यहाँ से अगर हम मैसेज करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर मैसेज करता हूँ, एक बार फिर से मैं करके आपको दिखा देता हूँ, तो अभी नोटिफिकेशंस आ जाएगा। आप देखते रहिएगा नोटिफिकेशंस लगातार आते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप भी सेटिंग्स कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो इस प्रकार से आप भी अपना व्हाट्सअप सही कर सकते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है उसको भी सही कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ रहा है लगातार कुछ इस प्रकार से, तो आप भी सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।